अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नसीर अहमद और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल नसीर आईटी। आज की वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML में हम कौन सी कोडिंग करके टेबल को लाते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने HTML लिखना है टैग में। उसके बाद सेकंड कमांड होता है हमारा हेड। हेड के बाद हमारा होता है टाइटल। ध्यान रहे यहाँ तक सेम ही होता है हर किसी प्रोग्राम में, www. क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, NIIT.edu.in। .in रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंडिया से हूँ। फिर यहाँ से टर्मिनेट टाइटल। टर्मिनेट टाइटल के बाद हमारा यहाँ पे जो हेडिंग है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि यूजुअली इसमें वेबसाइट का नाम होता है। फिर टर्मिनेट हेड। अब जो आज का प्रोग्राम है तो वो क्या होगा, उसको हम अंडरलाइन और फॉन्ट देंगे। सबसे पहले फॉन्ट कलर इक्वल टू कौन सा कलर देंगे उसको, ग्रीन। साइज इक्वल टू कितना देंगे, 24। किस चीज़ पे, जो इसके बाद लिखूँ मैं टैग के बाद। कोडिंग फॉर टेबल इन HTML, यहाँ तक मुझे चाहिए। फिर टर्मिनेट फॉन्ट, और यही जो लाइन है कोडिंग वाली है मुझे अंडरलाइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम यू टैग डालेंगे, यू टैग। फिर यहाँ से जहाँ तक चाहिए उसका असर यहाँ तक रहना चाहिए, तो ख़त्म करेंगे। फिर टर्मिनेट यू। उसके बाद क्या लिखना है हमने इस पे, तो वो हम करेंगे कॉल यहाँ पे हम टेबल में। सबसे पहले टेबल, सिंपल टेबल, फिर आपको दिखाऊंगा कि कलर कैसे हमने क्या करना है। टेबल, टेबल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि टेबल जो होता है वो होता है कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हमने यहाँ पे रोज और कॉलम्स बनाएंगे, बनाने हैं। कैसे बनाएंगे वो देखते बने रहेंगे। सबसे पहले हमारा होगा TR मीन्स टेबल रो, जो ऊपर होगा हमारा। उसमें दो चीज़ हमने देने हैं, हेडिंग, क्योंकि आपको पता है जब भी चाहे आप वर्ड में बनाते हो, एक्सेल में बनाते हो टेबल, तो उस पर कोई हेडिंग देती है। फिर यहाँ से टर्मिनेट TH। तो ये जो टैग कमांड है ये मुझे, मैं एक बार इसको लिखूंगा, फिर क्या करूँगा इसी को कॉपी पेस्ट Ctrl+C, इनके बीच मुझे डाटा डालना है। फिर एंटर करके Ctrl+V, आप पे डिपेंड है आपको कितनी चाहिए। जैसे हम कितने फील्ड लिए हमने, 4-5। तो सबसे पहले हेडिंग क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम। नाम हर किसी बच्चे का होता है। उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल पेरेंटेज, डेटाबेस बनाना है हमने बच्चों का यहाँ पे। फिर हम डालेंगे यहाँ पे कोर्स, उसके बाद रोल नंबर या एनरोलमेंट जो भी आप डालते हो अपने तरह से। उसके बाद सेक्स, ये 5 फील्ड, 1, 2, 3, 4, 5 ये मुझे चाहिए। लेकिन ये मुझे किस पे चाहिए, हेडिंग पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टर्मिनेट TR। यहाँ से हो गया हमारा एक रो कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसकी मदद से क्या होगा, बने रहे वीडियो के साथ। तो हम करेंगे यहाँ पे टर्मिनेट टेबल को। आप देखिए पहले मैं इसी को सेव करने वाला हूँ Ctrl+S, बाद में हम और भी कोडिंग करेंगे इस पे। HTML में हम नाम देंगे इसका table1.html। फिर यहाँ पे हमारा फोल्डर है HTML में है, सेव। मिनिमाइज करेंगे, आप अपना फोल्डर ढूंढेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे, HTML के नाम से है वो। हमने इसमें रखा है फाइल table1, इसको हम ओपन करने वाले हैं डबल क्लिक करके। क्रोम में खुल जाएगा क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है। आप देखिए यहाँ पे खाली इतना आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, पेरेंटेज, कोर्स, रोल नंबर और सेक्स। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे डाटा कैसे डालेंगे, फिर बॉर्डर कैसे देना है वो देखिए आप वीडियो में। देखिए आप क्या करना, हमने ये हो गया जो हमारे, हमने यहाँ से TR लाया और बीच में जो TH के बीच में आया वो नेम हेडिंग, वो यहाँ पर देख सकते हो। TH की मदद से नेम, पेरेंटेज, कोर्स, रोल नंबर, सेक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके नीचे अब डाटा डालना है, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम नया रो बनाएंगे TR का यहाँ पे डाल के। फिर उसके बाद हमने डाटा डालना है उसमें, तो TD फॉर डाटा हमने जो उसमें एंटर करना है, इसको भी हम कॉपी करने वाले हैं। टर्मिनेट TD, कितने बच्चों का हमने डालना है, पहले हम ये TD कमांड करें। हमने 5 बार, क्योंकि 5 फील्ड हमने इसमें डालने हैं, एक तो यही है, 4 बार Ctrl+C, फिर एंटर करके टाइम बचाने के लिए Ctrl+V, फिर Ctrl+V। अब हम इनको सेपरेट करेंगे यहाँ से, एंटर। पहले भी कर सकते थे, अब देखिए
हमने कितने टीडी डलाए इसमें, 1, 2, 3, 4, पांचवा भी चाहिए क्योंकि पांच फील्ड हमारे पास है। हमने अब नाम डालना है बच्चे का, जैसे हम डाल रहे हैं यहाँ पे मेहरान, फिर गुलाम रसूल, उसके बाद यहाँ से कोरस कौन सा देंगे इसको, 1 ईयर DCA शॉर्ट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका रोल नंबर हम डालने वाले हैं यहाँ पे, जैसे जैसे इसका है 1, सेक्स है ये मेल, या तो सिंपली एम भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, और यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया, ये पहला रोल बने रही टर्मिनेट यार, फिर से सेव करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस। मैं आपको लाइन बाई लाइन दिखा रहा हूँ कोडिंग करके, फिर उसका रिजल्ट आउटपुट यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे रिलोड। अब देखिए यहाँ पे नेम के नीचे मेहरान आ गया, पेरेंट्स के नीचे गुलाम रसूल, कोर्स के नीचे 1 ईयर, रोल नंबर के नीचे 1 और सेक्स के नीचे मेल। अभी ये टेबल बना है लेकिन विदाउट बॉर्डर, विदाउट रोज एंड कॉलम्स हैं तो ये फॉर्मेट में, लेकिन इसमें कई लाइनिंग नहीं है। फिर हम बताएंगे आपको उसके लिए क्या करना है। जैसे हमने कितनों का डाला, हम इसी को अभी करने वाले हैं क्योंकि अभी कितना लिखनी है बाद में हम चेंज करेंगे इसको। फिर से यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद एंटर करके कंट्रोल वी, आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। मेहरान कुछ और लिखो नाम, महविश, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो गुलाम मोहम्मद, जैसे इसका भी यही है लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होगा, रोल नंबर 2, और मेल के बजाय हमने लिखना है फीमेल आगे से। अगर हम सेव करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे दूसरा फील्ड होना चाहिए कंट्रोल प्लस एस। अब देखिए इसको हम रिलोड या रिफ्रेश करेंगे, आगे दूसरे स्टूडेंट का नाम, ये देखिए नाम के नीचे नाम, क्योंकि मैंने आपको जो बोला है टी एच में होता है वो होता है टेबल हेडिंग, नाम हर एक बच्चे का, जैसे इसका मेहरान है महविश है, तो ये जनरल है हमारा हेडिंग जो रहता है यहाँ से, ये जनरल है यहाँ से लेके यहाँ तक, उनके नीचे हमें डाटा डालना होता है। क्लियर, कितनों का डाला है आप पे डिपेंड है। बस हम अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं अब बस यही डालने वाला हूँ, मतलब दोनों फील्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। तो क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सी ताकि आपको दिखे कि इसमें फिर से और दो आए, फिर कंट्रोल प्लस वी, कितने रखने हैं कंट्रोल प्लस वी, 6 बच्चों का आएगा क्योंकि नाम यही आएगा रिपीट करके, कंट्रोल प्लस एस यहाँ पे, और यहाँ से हम वेब पेज को करने वाले हैं, या तो कीबोर्ड की मदद से F5 प्रेस करेंगे या वहाँ पे रिलोड F5। अब देखिए यहाँ पे अब हमने करना है, आप वो सोचेंगे कि सर ये टेबल फॉर्मेट में है नहीं, टेबल है नहीं, बॉर्डर के तरह बाकी चीज़ें के तरह रोज के तरह कॉलम्स के तरह, उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करने वाले हैं जहाँ पे हमारा टेबल है, कोई मसला नहीं है। जहाँ से हमने ये लिया है टेबल, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर में हम क्या देंगे यहाँ पे, साइज कितना देंगे आप पे डिपेंड है, 20। फिर कंट्रोल एस, एक एक कमांड सिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, फिर यहाँ से रिलोड। अब देखिए हमारे पास बॉर्डर आ गया, सब फील्ड अब सेपरेट हो गए, ये देखिए अब ये सही लग रहा है, नेम के नीचे मेहरान महविश मेहरान आ रहा है ना, क्योंकि हमने यही रखा है रिपीट में। आप फिर बाद में चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ कहीं भी चेंज करना है बस यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट कीजिए माउस की मदद से, फिर दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे मेहरान डालना है कुछ, यहाँ पे कुछ भी डालना है यहाँ पे, जैसे फरहान, यहाँ से कोई और नाम चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, नवीद, बट कुछ भी डाल दो आप पे डिपेंड है। जैसे आपने 1 ईयर के बजाय कुछ और डालना है यहाँ पे, रोल नंबर जैसे यहाँ पे 1 है, इसका हम देंगे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 2, आप पे डिपेंड है, मेल ही है या तो कंट्रोल प्लस एस, जो फील्ड हम चेंज करें यहाँ पे उसकी चेंज रिफ्लेक्ट हो रही है F5 करके। अब अगर आपको चाहिए इसका कलर, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कौन सी कोडिंग है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर दिया है यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं वो करते हैं ऐसे कलर इक्वल जैसे देना है रेड, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंट्रोल प्लस एस। अब देखिए क्योंकि आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो हमने क्या करना है यहाँ पे इसके साथ ही लिखना है बॉर्डर। और कुछ बंदे ये भी करते हैं, देखिए उनको चाहिए बॉर्डर का कलर, फिर वो लिखते हैं बॉर्डर अलग कलर अलग, लेकिन इससे बनिएगा कंट्रोल प्लस एस, देखते रहिए मज़े वाली बात क्या है, क्योंकि ये जो टैग है बॉर्डर कलर हमें इसको एक ही कमांड बनाना है यहाँ पे, ऐसे ये एरर नहीं है, कंट्रोल प्लस एस, फिर यहाँ से अगर पेज को कीजिए आप रिलोड तो आ जाएगा आपका बॉर्डर कलर। इस तरह से आपका टेबल बन गया है, ठीक है। यहाँ से टैग कुछ TR है, इसको हम रेज करते हैं वहाँ पर जो ऊपर है कोडिंग फॉर टेबल इन HTML, तो कोई मसला नहीं, कोडिंग फॉर किधर है हमारा, फॉर टेबल इन टर्मिनेट यू टर्मिनेट ये TR
ठीक है, टर्मिनेट फॉन्ट कलर इज इक्वल टू 24 कोडिंग फॉर टेबल इन एचटीएमएल, ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कितने टीआर क्लोज करके, ये देखिए ये भी हमने वहाँ पे भी टर्मिनेट, यहाँ पे भी टर्मिनेट, दो दो बार नहीं करना, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये था आज का प्रैक्टिकल, उम्मीद है आप दोस्तों को इस प्रैक्टिकल से ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। अगर फ़ायदा पहुँचता है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी राय देना ना भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह और भी इससे अच्छे प्रैक्टिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।